हे वेलकम यूट्यूब अमेरिकेत एंड यू आर वॉचिंग वेद स्टडी। तो अब मैं आपको डिफरेंट रीजन्स बता देता हूँ, टोपोग्राफिक रीजन्स क्या होते हैं डॉग के अंदर। तो पूरी बॉडी को हमने काफ़ी टाइप के ऑलमोस्ट 21 रीजन्स के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। एक एक करके हम हर एक रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर वन पर हमारा आता है क्रेनियल रीजन, ठीक है। तो क्रेनियल रीजन ये हमारा बेसिकली होता है। नंबर टू हमारा क्या है, फेशियल, दिस इज फेशियल रीजन, ठीक है। और थ्री से लेकर के फाइव तक हमारा ये पूरा नेक रीजन है। थ्री फोर एंड फाइव ये पूरा आपका नेक रीजन है। अब इसमें भी हमारा अलग अलग होता है, जैसे कि थ्री वाला हमारा क्या हो गया, डॉर्सल नेक रीजन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला हमारा क्या हो गया, लेटरल, ठीक है ना, लेटरल साइड पर प्रेजेंट है नेक रीजन। एंड इसके बाद फिफ्थ हमारा क्या हो गया, वेंट्रल, क्योंकि वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज वेंट्रल नेक रीजन। तो ये आपका नेक रीजन हमारा डिवीजन हो गया नेक रीजन का। इसके बाद सिक्स्थ और सेवन्थ ये हमारे क्या हैं, डोर्सल रीजन। सिक्स्थ में और सेवन्थ ये हमारे डोर्सल रीजन है, इसमें भी हमारा डिवीजन है। ये जो सिक्स्थ वाला है ये हमारा क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रल रीजन, ठीक है। तो सिक्स वाला हमारा क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रल रीजन है। तो ये डॉर्सल रीजन, बट उसमें भी हमारे थोरेसिक वर्टिब्रल रीजन है बेसिकली। एंड लंबर वाला कौन सा हमारा, सेवन, दिस इज लंबर रीजन। इसके बाद एट्थ नाइन एंड टेन ये हमारे क्या है, एट नाइन एंड टेन हमारे थोरेसिक रीजन है। थोरेसिक के अंदर भी अब एट्थ वाला हमारा कौन सा आता है, एट्थ वाला आता है हमारा प्री स्टर्नल रीजन, क्योंकि स्टर्नम से पहले पहले है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला हमारा क्या आएगा, नाइन्थ वाला आता है हमारा स्टर्नल रीजन। नाइन्थ के बाद हमारा क्या आता है, टेंथ। टेंथ को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन, ठीक है। टेंथ को हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। फिर इलेवन से थर्टीन तक, इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन ये तीनों हमारा मिलकर के बनाते हैं एब्डोमिनल रीजन। अब इसके अंदर भी इलेवन वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेवन वाले को हम बोलते हैं क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल एब्डोमिनल रीजन। एंड इसके बाद ट्वेल्व वाले को हम क्या बोलते हैं, मिडल एब्डोमिनल रीजन। एंड थर्टीन वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉडल एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ये क्या हो गए, पूरा ये एब्डोमिनल रीजन हो गए 11, 12 एंड 13 को। अब 11, 12, 13 हमारा एब्डोमिनल रीजन होने के बाद आता है 14, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। ये 14 हमारा क्या है, पेल्विक रीजन। 14 कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है 15 से लेकर के 18 तक हमारा क्या है, फोर लिम्ब। 15, 16, 17 एंड 18 ये हमारा पूरा क्या बनता है, फोर लिम्ब। अब इसके अंदर इसे हम थोरेसिक लिम्ब भी बोल देते हैं। अब 15 के अंदर हमारा क्या आता है, 15 हमारा स्कैपुलर रीजन है बेसिकली। 15 क्या है, स्कैपुलर रीजन। 15 को स्कैपुलर रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्कैपुला प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा 16 वाला हमारा ब्रैकियल रीजन है, इसे हम ब्रैकियल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रैकियल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, ब्रैकियल रीजन। ब्रैकियल रीजन के बाद आपका आता है 17 आपका क्या है, एंटी ब्रैकियल रीजन, ठीक है, एंटी ब्रैकियल हमारा रीजन हो गया। और फिर हमारा 18 मैंने आपको पहले भी बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, फोर पॉ, या फिर इसका एक और नेम होता है जिसे हम बोलते हैं मेनस, ठीक है, रीजन। इसके बाद आपका यहाँ पर 18 तक हो गया। 18 के बाद आपका आता है 19, 20 एंड 21। तो 19, 20 एंड 21 इन ये हमारा हाइंड लिम्ब हो जाता है, ठीक है। वही 15, 16, 17 एंड 18 आपका क्या था, फोर लिम्ब हुआ। ऐसे ही 19, 20 एंड 21 आपका क्या हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया, या फिर हम इसे पेल्विक लिम्ब भी बोल देते हैं। अब 19 हमारा क्या है, फिमोरल रीजन। 19 को हम बोलते हैं फिमोरल रीजन, ठीक है। एंड फिमोरल रीजन के बाद आता है हमारा 20। 20 को हम क्या बोलते हैं, क्रूरल रीजन। एंड 21 आता है फिर हमारा, 21 को हम क्या बोलते हैं, हाइंड पो, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है। और इसका जो अदर नेम है इसे हम बोलते हैं पेस,
ठीक है, पेस रीजन। तो ये यहाँ पर आपके डिफरेंट रीजन्स थे डॉग की बॉडी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ये किसी भी को भी लोकेट करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।